हाँ जी भाई लोग, तो व्लॉग विद जाट की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सबको मालूम है, इस टाइम मारुति इंडियन लीडिंग ब्रांड है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और 1 अप्रैल 2020 से उसने अपने सारे डीजल इंजन्स को बंद कर दिया। तो इस चीज के बाद दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता है कि भाई क्या वो रीजन है जिनकी वजह से मारुति ने डीजल इंजन को बंद कर दिया? क्या डीजल इंजन दोबारा आएगा मार्केट में या नहीं आएगा सिर्फ, या फिर मारुति इस टाइम पेट्रोल गाड़ियां ही सेल करेगा? ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिमाग में जरूर आते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में तो आए थे। तो मैंने सोचा इन सबके आंसर्स आपके सामने लेकर आता हूं और बताता हूं कि क्या वो रीजन है जिनकी वजह से मारुति ने डीजल इंजन को बंद किया। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं एक पॉइंट से। सबसे मेन चीज तो ये आती है कि पेट्रोल और डीजल इंजन में मेन फर्क क्या है। आप देखा जाए तो पेट्रोल इंजन काफी ज्यादा रिफाइन होता है, पोल्यूशन भी कम करता है, और वहीं अगर डीजल इंजन की बात कर लें तो वो कम रिफाइन होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन, और वो पोल्यूशन भी काफी ज्यादा करता है। ये एक मेन रीजन कहा जा सकता है, लेकिन इन चीजों को शुरुआत से शुरू करते हैं तब ये चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। तो बात है मई 2012 की, जब डीजल की एंड पेट्रोल की प्राइसेस में 32.37 रुपीस का फर्क था। तब डीजल काफी ज्यादा सस्ता था। अब बात है 2013 की, तो पेट्रोल और डीजल में केवल 30 रुपीस का डिफरेंस था। उसके बाद भी लोगों ने सोचा कि हमें अभी भी डीजल इंजन की साइड ही जाना चाहिए। हालांकि पेट्रोल के प्राइस स्टेबल थे, लेकिन डीजल के प्राइस बढ़ चुके थे उसके बाद भी। लेकिन बात जब पहुंचती 2015 तक, तो प्राइसिंग में केवल और केवल 17 रुपीज का डिफरेंस रह गया था। और इस डिफरेंस के बाद कंज्यूमर्स ने सोचा कि भाई डीजल इंजन में डील करना काफी घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि जब भी आप एक गाड़ी परचेज करते हो तो ये तो कभी नहीं सोचोगे कि 1-2 साल चलाएंगे हम बेच देंगे। हमेशा आप सोचोगे लॉन्ग टर्म के लिए, 7-8 साल, और उस टाइम में अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइस ऐसे बूम करेंगे तो काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है किसी भी कंज्यूमर को, क्योंकि 1 लाख का फर्क काफी बड़ा फर्क होता है। तो इस डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू करने की शुरुआत हुई थी 2019 में, जब मारुति ने बोला था हम 2020 तक अपने सारे डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वो रीजन था? तो इतनी बड़ी स्टोरी मैंने समझाई तो आपको शायद आइडिया लग गया होगा क्या वो रीजन था। यस, वो रीजन यही था कि डीजल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से सारी गाड़ियों के डीजल इंजन्स की सेल्स दिन ब दिन कम होती जा रही थी। और फिर मारुति ने सोचा कि हम सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन्स पर फोकस करते हैं, उनकी सेल्स ज्यादा है मार्केट में, उनकी वजह से प्रॉफिट भी ज्यादा जनरेट हो सकता है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि कौन कौन से डीजल इंजन मारुति ने डिसकंटिन्यू किए हैं। मारुति के पास 3 डीजल इंजन थे, 1.3 लीटर DDIS 190, 1.3 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड और 1.5 लीटर DDIS 225। तो भाई लोग, ये 3 डीजल इंजन थे मारुति के पास जो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। अगला सवाल ये आता है, मारुति ने ही डीजल इंजन क्यों बंद किया, किसी और कंपनी ने डीजल इंजन क्यों नहीं बंद किया? तो इस सवाल का जवाब यही है कि मारुति की ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां 10 लाख से कम की प्राइस रेंज में हैं, और इस प्राइस रेंज में डीजल इंजन की कॉस्ट काफी ज्यादा आती है। भाई लोग, अब सवाल आता है, मारुति ने डीजल इंजन तो बंद कर दिया, लेकिन अब उसके बदले में वो कौन सा इंजन मार्केट में लेकर चल रही है? तो हाँ जी भाई लोग, तो वो लेकर चल रही है इस टाइम पर CNG और पेट्रोल दोनों इंजन, क्योंकि इन दोनों की कॉस्टिंग काफी ज्यादा कम है और प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा मिल जाता है मारुति को। और एक अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो 10 लाख से ऊपर जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें डीजल ऑप्शंस आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन, काफी ज्यादा एफिशिएंट भी होता है। बाकी सब डिपेंड करता है इन कंपनीज पर, वो किस प्राइस रेंज में किस गाड़ी के कौन से इंजन को लॉन्च करेंगे। जो डीजल इंजन है 2023 में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट्स के जो नए नॉर्म्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग डीजल इंजन का पोल्यूशन चेक जब वो गाड़ी चल रही होगी तब होगा। हर गियर में पोल्यूशन चेक होगा कि कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। उस वजह से शायद 2023 से और सेल्स कम हो जाए डीजल इंजन की। ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि डीजल इंजन बंद हो जाएगा, और गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल नहीं डाला है कि डीजल इंजन बंद कर दिया जाए। बस ये सिर्फ कंज्यूमर्स के ऊपर है कि वो उन्हें डीजल इंजन की साइड जाना है या पेट्रोल इंजन की साइड जाना है। और ये प्राइसिंग इंक्रीज होने की वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है डीजल इंजन को बंद करने के ऊपर। तो एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि 1 अप्रैल 2020 से ही क्यों मारुति ने अपने सारे डीजल इंजन को बंद किया? तो भाई इसका मेन रीजन ये है, गवर्नमेंट ने
1 अप्रैल 2020 से BS6 नॉर्म लागू किए थे, उसमें यह था कि आपके पास BS6 डीजल इंजन रेडी हो चाहिए। बट मारुति की सारी गाड़ियों में BS4 इंजन लगा हुआ है, छोटी हो चाहे बड़ी हो। लेकिन एक सवाल और उठ के आता है कि मारुति अपना खुद का BS6 इंजन नहीं बना सकती? तो भाई इसका जवाब है नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है और देखा जाए तो मारुति की मोस्ट ऑफ द कार 10 लाख की प्राइसिंग से नीचे की है। तो शायद उन्होंने ये सोचा है कि हमें डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए और हम सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल पर ही काम करेंगे। आज का सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, क्या मारुति डीजल इंजन को दोबारा मार्केट में लॉन्च करेगी? ये काफ़ी बड़ा सवाल आप कह सकते हो, क्योंकि वी ऑल नो 2023 से नॉर्म्स में चेंजेस होने वाला है। और क्या ये सही डिसीजन है कि मारुति को इस टाइम पर डीजल इंजन मार्केट में लेकर आना चाहिए दोबारा से? तो भाई लोग, सिर्फ अभी एक न्यूज़ है, अभी हालांकि ऐसी कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है कि मारुति कन्फर्म लॉन्च करेगी। बाकी सब चीज़ें नॉर्म्स पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ शेयर ज़रूर है मारुति की गाड़ियों में। तो आज भाई लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रही होगी, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल मेरे दिमाग में थे। अगर कुछ और सवाल आपके दिमाग में हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं सबके आंसर्स आपको दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। यस, बुलेट की डिलीवरी जल्दी होने वाली है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।